इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर यूपी जीआईएस 2023 का दूसरा दिन आज, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल हो सकते हैं। दोपहर 3:30 बजे जीआईएस में लेंगे ये हिस्सा। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज लखनऊ पहुंचेंगी और इस समिट में शामिल होंगी। आपको बता दें, काफी अहम उत्तर प्रदेश के लिए समिट मानी जा रही है। काफी कुछ जो इन्वेस्ट यूपी में होने वाला है, कई एमओयू कल हुए थे और ऐसे में आज भी दूसरा दिन भी उम्मीद लगाई जा रही है कि काफी कुछ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं अविनाश। अविनाश, जिस तरह से देखा जाए आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी लोगों को, सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं कि आज दूसरे दिन भी काफी कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। क्या कुछ रहेगा आज खास? जी देखिए, बिल्कुल, जीआईसी का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो या फिर खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार दूसरे दिन भी जो इन्वेस्टर समिट का जो दूसरा दिन है उसका सत्र हालांकि चल रहा है। पहला सत्र में तमाम जो उद्योगपति थे, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री है और जो बाहर देश है नीदरलैंड की अगर बात करें तो पहले सत्र में उनसे मुलाकात हो चुकी है। दूसरे सत्र में तमाम जो देशों के पत्तल में जापान के तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जो जो मंत्री है उनके साथ बैठेंगे और जो है इन्वेस्टर समिट पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से आपने देखा होगा लगातार जो जीएसटी समिट को लेकर जो है तमाम जो है सरकार के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो भी दौरे पर रहे थे और निवेश जुटाने के लिए लगातार भरपूर प्रयास कर रहे थे। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज दूसरा दिन है, आज भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम जो मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर यहाँ पर पहले, हालांकि आज 13 सत्र में आज जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है जो आयोजन हो चुका है उसमें जो है पहला सत्र खत्म हो चुका है। उसमें तमाम जो विदेश के तमाम जो निवेशक हैं उनसे जो है चर्चा हो चुकी है। अभी आपको बता दीजिए, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी तारीफ की थी और कहा था कि 6 साल के कार्यकाल में लगातार डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में निवेश जुटाने में जो सफल रही, हालांकि जिस तरीके से 25 लाख करोड़ के निवेश की जो बात कही जा रही तो जो लक्ष्य रखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 5 गुना बढ़कर 25,92,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि हमें मिल चुका है। साथ ही 92 लाख रोजगार की जो बात कही जा रही है सरकार की कि उत्तर प्रदेश में 92 लाख जो है रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश सरकार में प्राप्त होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और उनके कार्यकाल की सराहना भी की थी। हालांकि हम आपको यहाँ की तस्वीरें और भी दिखाएंगे कि जिस तरीके से कल जीएसटी जिस तरीके से तमाम जो इन्वेस्टर्स जो उद्योगपति है चाहे विदेशों के जिस देशों के विदेशों की जो उनकी बात करें या फिर जो अपने देश में जो 5 जो निवेशक थे के तमाम जो उद्योगपति है चाहे टाटा की बात करें या फिर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर तमाम जो तरीके से जो और देश के जो तमाम नामचीन उद्योगपति हैं वो जो है यहाँ पर निवेश पहुंचे थे। मुकेश अंबानी भी यहाँ पर पहुंचे थे, नरेंद्र भी यहाँ पर पहुंचे थे। दूसरे दिन के सत्र में 13 सत्रों में आज ये जो जीआईसी का उसका होना है उसके अगर पहला सत्र है वो हालांकि अभी जो है खत्म हो चुका है। दूसरे सत्र में अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जो देश के जो मंत्री है वो जो है तमाम जो विदेशी जो निवेशक है उनके साथ शामिल होंगे। दूसरे सेकंड डेट पे जिस तरीके से अब उत्तर जो है केंद्र सरकार के जो मंत्री स्मृति ईरानी है वो भी जो है यहाँ पर पहुंची है, तमाम निवेशकों के साथ बैठक करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से काफी सुरक्षा दिखाई दे रही है पीछे आपके अविनाश, तो क्या कुछ जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो मंत्री आ रहे हैं, क्या पत्रकारों को उनसे बात करने दिया जा रहा है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की तो कल ही हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पर चलते चलते पर पुलिस की निगरानी है, तमाम तरीके से रूट डायवर्जन के लिए तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ड्रोन से निगरानी की जा रही पूरे इलाके में। यहाँ पर आप पीछे अगर देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो है पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। पुलिस आईपीएस लगा के तमाम 5-6 ग्रुप के पीएचपी यहाँ पर और साथ ही जो
उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी हो या फिर लखनऊ पुलिस कमिश्नर के तमाम जो वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो पूरे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे एक मतलब कि हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जहाँ पर तो पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जो है कल ही यहाँ पर आगमन हुआ था और वही हॉल है जहाँ पर उनका संबोधन हुआ था। हालांकि इस तरीके से आज जो 13 सत्र में आज जो है तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक होने वाली है। अविनाश, अक्सर देखने को मिलता है कई राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश को ले लें चाहे वो उत्तर प्रदेश को, कई बार ऐसी सरकारें इन्वेस्टर समिट कराती हैं लेकिन एमओयू भी साइन होते हैं लेकिन एक्चुअल में जमीनी स्तर पर जो निवेश होना चाहिए वो उतर नहीं पाता है, एमओयू तक सीमित रह जाता है। तो अगर प्लांट लगाने की बात होती तो प्लांट भी नहीं लगते हैं, ऐसे तमाम तरीके की चीजें देखने जाती हैं। पर उसके बाद विपक्ष मुद्दा बनाता है कि पिछली बार का जो समिट था उसमें क्या कुछ निकल कर आया, पहले ये बताएं। हालांकि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के प्रवक्ता उठा चुके हैं इस मुद्दे को, तो ऐसे में इस पूरे आयोजन के बाद क्या वाकई जमीनी स्तर पर ये उद्योग या प्लांट स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा लेकिन अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो दावा है उसका ये है कि 92 लाख जो है रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 25 करोड़ का जो निवेश जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था उससे 5 गुना ज्यादा 92 लाख करोड़ का जो है निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुका है। हालांकि आपको ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश 2 भागों में अधिकतर बटा हुआ है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो लगभग जो है 45% जो निवेश है वो पश्चिमी यूपी में गया है और साथ ही पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में पानी जैसी तमाम जिस तरीके की जो समस्या है तो उसको लेकर भी वहां पर अधिकतर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल यूपी में जिस तरीके से अधिक निवेश जो है इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे अविनाश। तो ये थे हमारे सहयोगी अविनाश जिन्होंने ये जानकारी दी है कि ये जो समिट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वो उत्तर प्रदेश के लिए कितनी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी जी जान लगा रही है, केंद्र सरकार लगातार मंत्री भी वहाँ पहुँच रही हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित किया और बखान किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों को। और इस पूरी इन्वेस्टर समिट से कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में बहुत कुछ निवेश मिलने वाला है जिससे उत्तर प्रदेश की मूलभूत समस्या पलायन रुकेगा, बेरोजगारी घटेगी और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आएगा।